Good morning, everyone. Continuing with our next point, that is learning. Learning का मतलब है जो भी चेंज आपके बिहेवियर में आ रहा है बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, तो उसे हम लर्निंग कहते हैं. ह्यूमन बिहेवियर एक लर्नड बिहेवियर है और लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है नॉलेज को एक्वायर करने का. लर्निंग जो है वो रीजनिंग, थिंकिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों से आप गेन करते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग. और लर्निंग जो है उसके प्रोसेस में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो तीन चीज़ें हैं. एक है ड्राइव, दूसरा क्यू और तीसरा रिस्पॉन्स. ड्राइव को हम डिफाइन कर सकते हैं जो भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आपको मिलता है एनवायरनमेंट से, जो नीड आपके अंदर क्रिएट करता है और उस नीड से आपके अंदर टेंशन क्रिएट होती है और टेंशन आपसे एक्शन मांगती है, तो उसे हम ड्राइव कहते हैं. देन नेक्स्ट इज क्यू. क्यू का मतलब है एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस आपको मिल रहा है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज एनी ऑब्जेक्ट जो भी एनवायरनमेंट में पर्सन परसीव कर रहा है. और क्यू डिटरमाइन करेगा एक पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा किसी भी चीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक एडवर्टाइजमेंट फूड आइटम की या सॉफ्ट ड्रिंक की एक्ट कर सकती है एज अ स्टिमुलस और क्यू. सेम तरीके से एक साइन बोर्ड है फॉर एग्जाम्पल सागर रत्ना का कि वो 2 किलोमीटर आगे है, तो ये एक जो साइन बोर्ड है आपका एडवर्टाइजमेंट है वो क्यू की तरीके से आपके लिए एक्ट कर रहा है. आप उसको देखते हो और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ पर खाना खाना है. देन नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स है जो क्यू, जो स्टिमुलस आपको मिला है उसके लिए जो आप आंसर देते हो उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं. रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन का रिएक्शन क्या होगा टू क्यूज विद इन हिज एनवायरमेंट. उसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें कि आपने सागर रत्ना का बोर्ड देखा, आपको भूख लगी, आप कोशिश कर रहे हो किसी रेस्टोरेंट में विजिट करने की और वो एडवर्टाइजमेंट सडनली आपको दिख गई, तो आप अपने आप जो भी आपका व्हीकल है आपका आप वहाँ ले जाएंगे सागर रत्ना के जो पॉइंट है, फूड पॉइंट जो है वहाँ पर, और जो आपका एक्शन होगा दैट इज आप फूड परचेज करेंगे और अपनी जो हंगर है उसे सेटिस्फाई करेंगे. अब ये जो प्रोसेस आपका फॉलो हुआ, एवरी टाइम जब आप उस रास्ते से जाएंगे तो वो बोर्ड देख के, वो क्यू देख के अपने आप वो सेम रिस्पॉन्स को रिपीट करेंगे, तो वो आपकी लर्निंग हुई और लर्निंग ने डेवलप किया आपका ब्रांड लॉयल्टी एज वेल एज ब्रांड इमेज जो इन्फ्लुएंस करता है आपके कंज्यूमर बिहेवियर. नेक्स्ट इज एटीट्यूड. एटीट्यूड भी पार्ट है आपके साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट. एटीट्यूड का मतलब है एक पर्सन के माइंड में जो ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में प्रीडिस्पोजिशन है कि कैसे उसे उस एक चीज़ के लिए बिहेव करना है, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं. जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो डिफाइन करते हैं एटीट्यूड को एज एन इमोशनल प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द कंज्यूमर टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू एन ऑब्जेक्ट और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जो पर्सन की फीलिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग की, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, उसी को हम उसका एटीट्यूड कहते हैं. वो आपकी पीपल, प्लेसेस, प्रोडक्ट्स या अदर थिंग्स के बारे में हो सकती है. तो जितना ज़्यादा फेवरेबल होगा एक कंज्यूमर का एटीट्यूड टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट, उतना ज़्यादा वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा.
तो जो एटीट्यूड है वो भी प्रेडिक्ट करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को। देन इसी के बेसिस पे जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है, रिडिज़ाइन करता है, पैकेजेस को डिवेल्प और इवेलुएट करता है अपने प्रमोशनल प्रोग्राम्स को। देन नेक्स्ट इज बिलीफ। जो बिलीफ है और जो एटीट्यूड है ये दोनों रिलेटेड है। जो आपका एटीट्यूड है उसके अंदर ही आपके बिलीफ्स इम्प्लांट होते हैं कि अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है किसी चीज के बारे में तो आप उस चीज को बिलीव कर रहे हैं कि नहीं इस चीज में ये चीज अच्छी है, ये मैं मानता हूँ अच्छी है, तो उसी को हम बिलीफ कहते हैं। और ये भी बेस होती है आपके एक्सपीरियंस और लर्निंग के बेसिस पर। तो जो भी थॉट्स आपकी बनी है आपके ओपिनियन और फेथ पर वो बिलीव होता है। तो फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर बिलीव करता है कि जो मारुति कार है वो लेस कॉस्टली होती हैं, फ्यूल एफिशिएंट है, पावरफुल बैटरीज होती हैं उनमें और जापनीज टेक्नोलॉजी होती है। देन नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। जो बिहेवियर है एक इंडिविजुअल का वो डिफर करता है फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। तो आपकी पर्सनैलिटी में आपके जो भी सारे करेक्टरिस्टिक हैं वो इंक्लूड होते हैं। और पर्सनैलिटी में आपके एटीट्यूड, लर्निंग, बिलीव, एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके। और ये यूनिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं। तो जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं डिफरेंट होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में और यही आपको अलग बनाते हैं दूसरों से। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रेसिवनेस, फ्रेंडलीनेस, एडवेंचरस, इंडिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सोशलेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ऑनेस्टी, नर्वसनेस, ये सारे आपके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो वो बोल्ड चीज़ों को ट्राई कर सकता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है जो उस इमेज को शो कर रहा है। अगर एक पर्सन की पर्सनालिटी में है लॉजिकल है वो, तो वो जब भी किसी प्रोडक्ट को बाय करेगा, एडवर्टाइजमेंट को देखेगा, तो वो उसके पीछे लॉजिक देखेगा बजाय कि इमोशनल अपील पर जाने के। तो वो भी इफेक्ट करती है एक पर्सन के बाइंग डिसीजन को। देन नेक्स्ट है आपका लाइफस्टाइल। डिफरेंट जो कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंट कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लासेस, ऑक्यूपेशन से आते हैं और सबका एक अपना डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है। जो लाइफस्टाइल है एक पर्सन का वो रिप्रेजेंट करता है उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके इंटरेस्ट को, ओपिनियंस को, डेमोग्राफिक्स को, जिसे हम आयोडा कहते हैं। ए आयोडा मतलब ए स्टैंड फॉर एक्टिविटीज़, आई इंटरेस्ट, ओ ओपिनियंस एंड डेमोग्राफिक्स, डी से। तो एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है उसका वर्क, हॉबीज, वोकेशन, शॉपिंग, स्पोर्ट्स क्लब, इंटरेस्ट में फैमिली, होम, जॉब, कम्युनिटी, फैशन, फूड, ओपिनियंस में देमसेल्व्स, सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एजुकेशन, प्रोडक्ट, डेमोग्राफिक्स में एज, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज। तो जब एक मार्केटर डिसाइड करता है कि उसे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है तो वो लाइफस्टाइल पर्सन जो है वो भी एक फैक्टर है जिसको कंसीडर करता है। तो मार्केटर आयोडा का जो फ्रेमवर्क है उसे एनालाइज करता है और जो भी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ से इमर्ज होती है उसको वो आइडेंटिफाई करता है। तो लाइफस्टाइल भी डिटरमाइन करता है, इफेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट है दैट इज पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। जो पर्सनल फैक्टर्स हैं एक इंडिविजुअल के, जैसे उसकी एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफ साइकिल स्टेज, एजुकेशन, ये भी डिटरमाइन करते हैं एक इंडिविजुअल के बाइंग बिहेवियर को। पहला है एज। एज कैसे डिटरमाइन करता है? जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप डिफरेंट चीज़ों की डिमांड करते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप डिफरेंट चीज़ों की डिमांड करते हैं। दोनों में डिफरेंस जो आता है वो कैसे आता है? जो छोटा बच्चा होगा
वो अट्रैक्ट होता है शेप से, कलर से, साइज से, लेकिन जो बड़ा पर्सन है वो अट्रैक्ट होता है लॉजिक से, रीजन से, तो प्राइस से. तो जो एज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को. जैसे जो स्मॉल चिल्ड्रन है उन्हें चाहिए होता है मिल्क पाउडर, बेबी फूड, टॉयज, गेम्स, सॉफ्ट ड्रिंक, एजुकेशनल फैसिलिटीज. यंग एडल्ट्स को चाहिए होते हैं ट्रेंडी क्लोथ्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, मोपेड, मोटर बाइक एक्सेट्रा. तो एज जो है कंज्यूमर की वो उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करती है. नेक्स्ट इज एजुकेशन. एजुकेशन एक पर्सन के थिंकिंग हॉरिजॉन को वाइडन करता है. तो एक जो एजुकेटेड पर्सन है वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट से इफ़ेक्ट होता है बजाय एक लेस एजुकेटेड वंस के. तो जो भी आपकी नीड, हैबिट्स, बाइंग मोटिव्स, बाइंग प्रेफरेंसेस, नॉलेज, अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग पावर है, उन सब में चेंज होता है चेंज इन द लेवल ऑफ एजुकेशन. देन नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन. एक जो पर्सन का ऑक्यूपेशन है वो भी डिसाइड करता है उसके कंजम्पशन पैटर्न को. एक पर्सन वही गुड्स बाय करता है जो उसके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उसे सूट करती है. जैसे एक टीचर है तो वो सिंपल क्लोथ, स्कूटर, कूलर, टेलीफोन कनेक्शन, बुक, स्टेशनरी, ये चीज़ें बाय करता है. एक जो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी कंपनी का तो वो एक्सपेंसिव क्लोथिंग, बिग कार, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन्स, क्लब मेंबरशिप, सर्विसेज ऑफ एयरलाइंस, फाइव स्टार होटल्स, ये चीज़ें जो हैं वो बाय करता है. देन नेक्स्ट इज योर इनकम. इनकम को हम पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी पढ़ चुके हैं जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को. इनकम ही वो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर की डिमांड को. तो इनकम का मतलब है आपकी परचेजिंग पावर कंज्यूमर की, जिसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है आपकी स्पेंडिंग से. जितनी ज़्यादा कंज्यूमर की डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगी उतनी ज़्यादा जो है वो स्पेंडिंग करेगा अपनी कंजम्पशन पर. और जो करंट इनकम, कंज्यूमर क्रेडिट, लिक्विड एसेट, एटीट्यूड टूवर्ड सेविंग सेक्टर है, ये डिसाइड करते हैं एक पर्सन की इकोनॉमिक पावर को. देन नेक्स्ट इज योर रोल एंड स्टेटस. एक पर्सन डिफरेंट रोल प्लेस करता है ग्रुप में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, नेबर्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, और हर एक जो रोल है वो एक स्टेटस कैरी करता है. तो जो लोग हैं वो अपने रोल और स्टेटस को कंफर्म करने के लिए उसके अकॉर्डिंग जो अपनी डिसीजंस हैं बाइंग के वो लेते हैं. जैसे इन अ रोल ऑफ अ सन आप डिफरेंट चीज़ों को बाय करते हैं. एज अ बैचलर एक पर्सन डिफरेंट चीज़ों को बाय करता है. तो आपका जो रोल और स्टेटस है वो भी आपके बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.